रविवार को हुए एक्सियन के साथ मारपीट मामले ने तोल पकड़ लिया है। आरोपों से घिरे वार्ड नंबर 3 के पार्षद जयवीर खटाना को आज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जयवीर खटाना की गिरफ्तारी का पार्षदों ने पुरजोर विरोध किया है। उनका कहना है कि जयवीर खटाना की गिरफ्तारी षड्यंत्र के तहत हुई है। आपको बता दें कि आज लगभग 2 घंटे तक पार्षदों और नगर निगम अधिकारियों की निगम कमिश्नर के साथ मीटिंग हुई। हालांकि किसी कारणवश एक्सियन ज्ञान प्रकाश बाधवा और मदन लाल उपस्थित नहीं हो पाए। जानकारी के मुताबिक इस मीटिंग में निगम कमिश्नर ने दोनों पक्षों के बीच सुलह कराने की कोशिश की, लेकिन पार्षदों ने जयवीर खटाना की गिरफ्तारी को षड्यंत्र बताते हुए पुरजोर विरोध किया। आपको बता दें कि कल दोबारा मीटिंग का आयोजन किया जाएगा और पार्षदों तथा अधिकारियों के बीच निगम कमिश्नर सुलह कराने की कोशिश करेंगी। वहीं पार्षद अपनी बात पर अड़े हैं और उनका कहना है कि जयवीर खटाना की गिरफ्तारी गलत है। पार्षदों का कहना है कि वे कल से नगर निगम मुख्यालय पर जयवीर खटाना की हुई गिरफ्तारी का विरोध करते हुए धरना प्रदर्शन करेंगे। जब से नगर निगम कमिश्नर गरिमा मित्तल जी शहर में आई हैं, सारे शहर की सीवर लाइन बंद है। आज 1 घंटे बारिश हुई, सारा शहर डूब गया। किसी वाटर हार्वेस्टिंग की सफाई नहीं हुई, किसी नाले की सफाई नहीं हुई। जब मैडम से काम के लिए कहती है, मैडम हम लोगों के ऊपर उल्टे सीधे आरोप लगाती हैं। और आज उन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए मैडम ने अपनी निजी दुश्मनी को देखते हुए, जो हम उनसे अपने कामों की डिमांड करते हैं उन चीज़ों को देखते हुए, भ्रष्टाचार के इतने सारे मुद्दे इस नगर निगम के अंदर चल रहे हैं, आज तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और जब इनसे मैडम से उन चीज़ों के बारे में पूछा जाता है, उन चीज़ों का हम लोगों के ऊपर दबाव बनाने के लिए गलत तरीके से हम लोगों पर जो FIR दर्ज कराने का काम किया गया हमारे जयवीर भाई खटाना जी के साथ, उन जब उसने मदनलाल शर्मा जी से पानी की डिमांड करी, उन सारी चीज़ों को देखते हुए आप सब लोगों ने लाइव देखी सारी चीज़ें। और अगर हम लोग पानी मांगेंगे तो कहाँ जाएंगे? पानी के लिए अधिकारियों से कहेंगे, ये लोग समाधान करेंगे। और अगर इसी तरीके से सारा शहर चलता रहा तो आप लोग देखिएगा कि आज बद से बदतर हालात हैं। पूरे शहर की सीवर लाइन बंद है, आप लोगों के सामने है, आप लोग रोज़ घूमते हैं शहर में, कितने बुरे हालात हैं। और ये हालात इसी तरीके से खराब होते हैं। इस पूरी सरकार को बदनाम करने का काम किया जा रहा है, और जो हमारी कमिश्नर है वो सरकार के विरुद्ध काम कर रही है, सरकार को बदनाम करने का काम कर रही है। शहर के बद से बदतर हालात कर दिए जब से कमिश्नर मैडम आई हैं, और आज जो उन्होंने किया है ये सारी हदें पार कर दी हैं। पार्षद जी आज आए हो, आज किस लिए आए हो यहाँ पर? आज हम लोग आए हैं जो जयवीर खटाना जी के खिलाफ जो गलत तरीके से FIR दर्ज की गई है उसके विरोध में हम लोग यहाँ आए हैं। मैडम से बात करी थी कि आप अधिकारियों से बात करें, हम अधिकारियों से अपनी मांगों को लेकर बार बार हम लोगों में छोटी मोटी इस तरह की बात पहले भी होती रहती है, क्योंकि लोग हमारे पास आते हैं, हम अपनी बातों को अधिकारियों के पास रखते हैं। इसका मतलब यही नहीं है कि ये लोग FIR दर्ज कराएंगे। और जो आज मैडम ने जो फैसला लिया है इससे पूरी सरकार की बदनामी हो रही है और सारी व्यवस्था चरमराई हुई है शहर की। आज हम लोगों ने अब भी मैडम से बात की कि आप इसका समाधान करें, अधिकारी और हम लोगों का एक परिवार है, हम लोग रोज़ मिलजुल कर इस शहर की सेवा करने का काम करते हैं। उसमें अगर हम लोगों के बीच में किसी बात का कोई कन्फ्लिक्ट छोटा मोटा हो जाता है तो उस बात का बातचीत से उन चीज़ों का समाधान निकाला जाता है। 1.5 घंटे से बातचीत चल रही है, क्या मतलब क्या कह रही है मैडम कमिश्नर? मैडम हम लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है। मैडम ने हम लोगों को बहाने से Sector 58 से यहाँ बुला लिया और वहाँ से जयवीर की गिरफ्तारी करा दी। मैडम ये कर रही है, और जयवीर के और भी 2-4 साथियों को गिरफ्तार किया है। सबसे बड़ी बात, कोई पुरानी किसी बात को लेके कि किसी सफाई कर्मचारी से इन्होंने कोई झगड़ा किया है, SC ST Act भी उनके ऊपर लगवा दिया गया, जबकि इस तरह की कोई बात नहीं थी। वो हमें सिर्फ अभी यहाँ कर इस बात का पता चला है। सब कुछ षड्यंत्र के तहत ही किया जा रहा है, पार्षदों पे दबाव बनाने के लिए। ये लोग विकास कार्य तो करा नहीं सकते, अननेसेसरी का हम लोगों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, हम लोगों को काम नहीं करने दिया जा रहा, शहर की व्यवस्था नहीं सुधारी जाती। पिछले साल भी पानी की डिमांड हुई थी जिसमें भी अननोन FIR, उसमें तो आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, इसमें ताबड़तोड़ ऐसी गिरफ्तारी क्यों हो रही है? ये कहीं ना कहीं राजनीतिक द्वेष भी है इन चीज़ों के पीछे। पार्षदों को दबाने का काम किया जाता है, लोग हमारे पास आते हैं जिन घरों में 15-15, 20-20 दिन तक पानी नहीं जाता, उन लोगों से पूछो उनके क्या हालात हैं। इतनी भीषण गर्मी में लोग कैसे जी रहे हैं बिना पानी के? हम लोग यहाँ आते हैं, अपनी डिमांड रखते हैं, लोगों को हम लोग संभालते हैं, हाथ जोड़ते हैं कि भैया तेरा 3 दिन में 4 दिन में पानी आ जाएगा, भाग दौड़ करते हैं उनके लिए। अधिकारी AC कमरों से बाहर निकलने का प्रयास नहीं करते। जब इन लोगों से बात करते हैं, जब इनको प्रेशर दिखता है, ये गलत कामों में, सारे लोग गलत कामों में इन्वॉल्व हैं, जब इनके ऊपर बात आती है तो अपने आप का बचाव करने के लिए लोग इस तरह के काम करते हैं। धाराओं की कॉपी अभी हमने मांगी, अभी थोड़ी देर में मिल जाएगी। पार्षद आए थे, जयवीर खटाना का मामला है, वो अरेस्ट हो गए हैं और काफी देर से मीटिंग चली थी, क्या बात हुई है? कि एक वीडियो वायरल हुआ था, कुछ क्वेश्चंस, कुछ कंप्लेंट्स हुई हैं,
तो आज कोशिश ये की गई है कि दोनों पक्ष आमने सामने बैठकर इसको सुलझा लें, क्योंकि जब स्ट्राइक होती है तो पूरे शहर को दिक्कत होती है। कई लोगों का फ़ोन आया जी पानी भरा हुआ है, आज बारिश भी हुई है, सीवर की दिक्कत है। बट जब तक कि हमारे SDO JEE मौके पर नहीं जाएंगे तो काम कैसे होगा। तो शहर की भी ज़रूरत है और दोनों पक्षों को समझना चाहिए कि दोनों तरफ ही नगर निगम है। अगर पार्षद हैं, कर्मचारी हैं, सब नगर निगम का ही पक्ष, नगर निगम का ही पार्ट है। आखिर में बेइज्जती तो नगर निगम की भी होती है। सबको समझना चाहिए, एक परिवार है, तो साथ में बैठकर समझौता कर लेना ही समझदारी होती है। इसीलिए सबको बुलाया भी गया था, मगर ना तो यहाँ पर वधवा जी थे, उनका फ़ोन भी नहीं मिला, और ना ही मदन लाल जी थे, उनका फ़ोन शायद स्विच ऑफ जा रहा है। तो जितने यहाँ पर चीफ इंजीनियर, SC साहब और बाकी लोग थे, पूरी कोशिश की गई है कि दोनों सेम टेबल पर आकर बातचीत करें और समाधान निकले। हमारी कोशिश जारी रहेगी और उम्मीद है कि जल्दी इसका कोई समाधान भी होगा। जो जयवीर खटाना जी के विरोध में अभी उनकी बात नहीं बनी, पार्षद नाराज हैं, कल तक उनको मना लिया जाएगा शायद। देखिए, मेरा तो मानना यह है कि बातचीत से ही हम आगे बढ़ सकते हैं, और दोनों पक्ष जब एक ही जगह बैठेंगे, बातचीत करेंगे, समाधान ज़रूर निकलेगा। बाकी लॉ जो है वो अपना कोर्स ज़रूर लेगा, उस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहती, ना मैं कर सकती हूँ। तो जो चीज़ें अंडर इन्वेस्टिगेशन हैं वो लॉ विल टेक द ड्यू कोर्स। बाकी एज म्यूनसिपल कमिश्नर आई विल इंश्योर कि दोनों पक्ष साथ में बैठें, और जब तक समझौता नहीं होता तब तक बार बार बैठें। मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी। आज यहाँ पर MLA साहब नागेंद्र बडाना जी भी थे, काफ़ी पार्षद भी थे, और कोशिश भी कर रहे थे कि चीज़ों का समाधान हो, चीज़ें और ना बिगड़ें, क्योंकि नुकसान इसमें आखिरकार शहर के लोगों को होता है। तो इसी कोशिश को आगे बढ़ाया जाएगा। अभी 8 बज रहे हैं, अभी तक हम ये कार्रवाई कर रहे थे, कल सुबह से फिर हम ये कोशिश करेंगे। तो शायद नहीं मट जाएगा, पूरी हमें उम्मीद है, हमारी पूरी कोशिश है। नगेंद्र जी, आप अभी नगर निगम कमिश्नर के पास आए थे जयवीर के मामले को लेके फैसला कराने, क्या बात हुई अंदर, 2 घंटे से मीटिंग चल रही है। देखिए, मैंने कमिश्नर महोदय से यही बोला था कि पार्षद जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं और कमिश्नर महोदय इस परिवार की मुखिया है। अधिकारियों के बीच में और पार्षदों के बीच में और पब्लिक के बीच में यदि कोई आपस में नाइतफाकी है तो ये जनप्रतिनिधियों का, कमिश्नर महोदय का, हम सभी की ये जिम्मेदारी बनती है कि उनको आपस में एक प्लेटफॉर्म पर बैठाया जाए और उनको बैठा के और उनका आपस में सुलहनामा किया जाए, ताकि इससे अपने क्षेत्र का विकास हो सके और जो विकास कार्य हैं उनमें गतिरोध नहीं आए। क्योंकि आज चारों तरफ कहीं पानी की समस्या है, कहीं सीवेज की समस्या है, तो ये समस्याएं हैं। और यदि इस तरह से आपस में अधिकारियों और जनता के प्रतिनिधियों के बीच में यदि आपस में खेस्तान होगी तो ये किसी के भी भलाई में नहीं है। जैसा कि मैडम ने आश्वासन क्या दिया था, और वहाँ जो आप थाने 58 से आए थे, तो क्या मामला था वहाँ पर, जयवीर को अरेस्ट कर लिया गया है या आप लोग उसको छुड़ाने के लिए किस बात के लिए आए थे? वहाँ पर जयवीर ने जो बताया कि SHO साहब ने उनको बुलाया था कि आप आके आप अपना जो बयान दर्ज कराइए, और हमने जो नगर निगम अधिकारी हैं उनको भी बुला रखे और आपका आपस में बैठ के समझौता कराते हैं, लेकिन उनको वहाँ पर अरेस्ट कर लिया गया, जो कि एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, इस तरह नहीं होना चाहिए। अब अधिकारी ने क्या कहा है कि भाई ये मामला सुलटेगा या बढ़ेगा क्या? देखिए, हमने तो यही कहा था कि भाई इसको जो है बुला के और उनको निपटाया जाए, लेकिन उनके अधिकारियों के मोबाइल जो है वो स्विच ऑफ है, उसे संपर्क नहीं किया जा सकता। जैसा कि आपने देखा अभी जो कुछ देर पहले, 2 घंटे करीब पहले, पूर्व विधायक हैं नगेंद्र बडाना जी NIT से, उन्होंने ये फैसला कराने की कोशिश की थी कि कहीं ना कहीं ये जो गतिरोध है कर्मचारी और पार्षदों के बीच में है वो रुके, लेकिन कहीं ना कहीं वो बात नहीं बन पाई और 2 घंटे करीब मीटिंग चली, लेकिन अधिकारियों की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला और इसकी वजह से पार्षद रुष्ट होकर बाहर आए और उन्होंने प्रशासन के अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी की है। और आप देख सकते हैं कि फुटेज में सारे पार्षद यहां मौजूद हैं और सभी पार्षदों ने नाराज़गी से बाहर आकर कमिश्नर के खिलाफ और अधिकारियों के खिलाफ रोष व्यक्त किया है, और अपना जो जयवीर खटाना है, इनके साथी हैं पार्षद, उनको गिरफ्तार करने का काफ़ी विरोध कर रहे हैं। और ये कल से इन्होंने कहा है कि कल से ये यहाँ पर धरने पर बैठेंगे। जैसे 2 दिन लगातार कर्मचारियों ने यहाँ पर, अधिकारियों ने यहाँ पर नगर निगम में काम बंद कर
प्रदर्शन किया था और अब शायद कल से पार्षद भी यहाँ पर धरने पर बैठने के आसार लग रहे हैं। खबरों की विस्तार से जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और क्लिक करें बेल आइकन पर ताकि कोई भी खबर आपसे अछूती ना रह सके।